Welcome to my channel, Super Cooking with Marwa. Please subscribe to my channel and click the bell icon so you can get all my upcoming videos notifications and share it with your family and friends. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी, जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर घर में और हर टाइम ही अवेलेबल होती है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखें, इसके लिए 2 कप मैंने दूध ले लिया है और ये 1 कप चीनी ले ली है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। तो अब इजीली आप भी घर में बनाएं होममेड कंडेंस मिल्क। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, एक देगची मैंने ले ली है और उसमें मैंने डाल दिया है दूध। साथ ही इसमें मैं चीनी भी शामिल कर दूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को पकाना है। जब तक बॉयल ना आ जाए तो इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि चीनी जो है नीचे लगे नहीं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है और चीनी भी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन इसको भी पकाना है। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि दूध जो है नीचे लगे नहीं। तो इसको 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो ये देखें, इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि चीनी जो है जितनी देर पकती रहेगी दूध में, इसका कलर जो है उतना ही डार्क होता जाएगा। तो कंडेंस मिल्क के लिए इतना ही कलर जो है बिल्कुल सही रहता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पकाना होता है ताकि दूध जो है इसमें नीचे लगे नहीं। अगर दूध नीचे लग गया तो फिर कंडेंस मिल्क का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, इसको मैंने 5 मिनट और पका लिया था। तो देखिए, अच्छा थिक हो गया है, क्योंकि ठंडा होके भी थिक हो जाता है, तो उसको ज़्यादा थिक नहीं रखना है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर आप इसको किसी बॉटल में या जार में डाल के इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, ठंडा हो चुका है बिल्कुल। इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा, अभी रूम टेम्परेचर पर ही इतना थिक है। कंडेंस मिल्क अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं एक जार में डाल दूंगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इस कंडेंस मिल्क को आप बहुत सारी स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कोई केक बना रही हो, ब्राउनीज बना रही हैं, फ्रूट चाट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्राइफल में, खीर में और फालूदा में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे डिशेज़ हैं जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक दफ़ा इसको बना के रख दें और काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, 1 से 1.5 महीने तक तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए, इसको मैं ढक्कन ढक के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जब भी कोई चीज़ बनानी हो तो आप इसको थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से निकाल के ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।